फ्रेंड्स, स्पाइस जेट के प्रमोटर्स मिस्टर अजय सिंह, जिनका कि स्पाइस जेट में टोटल स्टेक 50.75% है, उन्होंने 2.78% के शेयर की वैल्यू की होल्डिंग IDFC फर्स्ट बैंक को गिरवी रख दी है। उन्होंने अपना ये शेयर 24 अक्टूबर को ही गिरवी रख दिया था, लेकिन इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब शनिवार 2 नवंबर को स्पाइस जेट ने इसकी सूचना BSE को दी। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर स्पाइस जेट के शेयर लिस्टिंग है। यदि किसी भी कंपनी में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसको उसकी सूचना अपने लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है। अगर बात करें नंबर ऑफ शेयर की तो टोटल 1.67 करोड़ शेयर IDFC फर्स्ट बैंक को अजय सिंह ने गिरवी रखी है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में स्पाइसजेट की तरफ से अनाउंसमेंट ये आया था कि वह UAE में अपना पहला इंटरनेशनल हब ओपन करने जा रही है, और इसके अलावा स्पाइसजेट UAE में एक नई एयरलाइन कंपनी भी ओपन करेगी। हो सकता है कि अजय सिंह के द्वारा गिरवी रखे गए शेयर उसी प्रोजेक्ट के लिए बढ़ाया गया एक कदम हो, क्योंकि किसी भी कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति कोई भी कंपनी बैंक से लोन लेकर या फिर इन्वेस्टर से पैसा उठाकर करता है। फ्रेंड्स, पास्ट ट्रेंड में ये देखा गया है कि जब भी कोई कंपनी का प्रमोटर्स अपना शेयर गिरवी रखता है तो उस कंपनी के शेयर के वैल्यू में भारी गिरावट आती है। इसलिए स्पाइसजेट के आज यानी 4 नवंबर के शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं स्पाइसजेट के इस कदम के बारे में? अपने विचार कमेंट्स करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।